बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। अक्सर महिलाएं पीरियड आने वाला है या फिर पीरियड है या फिर वो प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। एक ऐसा सिम्टम्स है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देता है, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मेरे घर में भी बहुत सारी महिलाओं को कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि जब भी ये सिम्टम्स ऐसे, तो ये सिम्टम्स बहुत कम महिलाओं को एक्सपीरियंस होता है, बहुत कम महिलाएं इसको महसूस करती हैं। लेकिन जो महिलाएं महसूस करती हैं, अगर खासकर उनकी पहली प्रेगनेंसी है, तो वो समझ बैठती हैं इसको पीरियड। मैं बात करने जा रही हूँ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। इम्प्लांटेशन के दौरान बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग कहें या स्पॉटिंग कहें, वो आता है। तो अगर जब महिलाओं को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आ रहा है, तो वो ये समझेंगी कहीं ये पीरियड तो नहीं है, कहीं इस बार पीरियड का फ्लो कम तो नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कंफ्यूजन हर एक बार क्रिएट होने लगता है। इसमें बहुत सारा अंतर है आपके पीरियड में और आपके इम्प्लांटेशन के ब्लीडिंग में, बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे पहचानेंगे? अब ये कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता कब है? ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होगा जब आपके गर्भाशय की दीवार पर जो एम्ब्रो है, तैयार एम्ब्रो, वो जाके चिपकता है। जब वो चिपकता है, तो जो वहाँ की स्किन हल्की सी निकलती है चिपकने के दौरान, वो स्किन बाहर आती है स्पॉटिंग बनके, वही कहते हैं हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये स्पॉटिंग अब होती कितने दिन के लिए है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन के लिए ही होगी, या फिर ये बोले कि उसी कुछ घंटे के लिए भी हो सकती है, एक बार भी महसूस हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। ये स्पॉटिंग ऐसा होता है कि आपके एक पैड भी नहीं लीक होते हैं, ऐसी स्पॉटिंग होती है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है। पीरियड्स के जैसा तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है, ना ही पीरियड का ये 50% भी होता है। तो ये एक हल्की सी स्पॉटिंग होती है, इसके साथ आपको हल्का सा पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग भी महसूस होगी। अब आप जानते हो कि आपके पीरियड्स कितने फ्लो में आते हैं और कितने दिनों तक रहते हैं, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि ये तो आपका पीरियड नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपके डेट के समय भी आ सकता है, यानी कि आपका जिस दिन डेट था उसके आसपास भी ये आ सकता है, उस समय भी आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन का भी कोई दिन जो है वो निश्चित नहीं है कि इसी दिन इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग्स होंगी, किसी दिन भी हो सकता है। डेट मिस होने के बाद भी इम्प्लांटेशन होता है कई महिलाओं का, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और ये हल्की सी स्पॉटिंग होती है, हल्का सा क्रैम्प होता है। इसके बाद आप ये देखें, गौर करें, नोटिस कीजिए कि आपको और भी सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं नहीं, जैसे कि थकान होना, मूड स्विंग्स होना, टायर्ड ज़्यादा फील होना, सिर चक्कर जैसा आना, बहुत सारे सिम्टम्स, जाके वीडियो देखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। धन्यवाद।